गुड इवनिंग स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द रिमेन पार्ट विच वॉज लेफ्ट अर्लियर हनीकॉम लेसन वन। नाउ इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर एंड यू नो हु आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन टू लिसन हुम। तो इन दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है राजा के वो कौन है, काउंसलर, जो उनके सलाहकार हैं। अदर से दूसरे कहे दिप्रेश पुजारी के लिए कहे, ए फ्यू अदर्स चूज डॉक्टर्स, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया। एंड एट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सोल्जर को कहा जी वे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने साइंस को बताया, अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को बताया। एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप को बताया। आज द आंसर ऑफ आंसर टू दिस क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। चूँकि आंसर काफ़ी डिफरेंट था, क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिफरेंट था, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइड टू सीक एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। कुछ करने के बजाय उसने निर्णय लिया टू सीक मतलब खोजना, दी एडवाइस ऑफ ए सर्टेन एक साधु के सलाह के बारे में, सलाह खोजने का, सलाह पाने का निर्णय किया, जो अपनी विद्वता के लिए, विजडम के लिए, ज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी तरह जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट एक वुड, वुड मीन जंगल, यहाँ जंगल में रहता था, जिसे कभी छोड़ता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी और को नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति को देखा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी क्लॉथ मतलब साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट हट के पहुंचने के पहले, हर्मिट की कुटी के मतलब उस साधु के कुटिया के पहुंचने के पहले, ही लेफ्ट दिस हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट टू एलोन, वह अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के साथ छोड़ दिया और अकेले गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट उस साधु की कुटिया के नज़दीक आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो राजा ने अपने उस हर्मिट के सामने की कुटिया के सामने उसे खोदते हुए देखा। डिगिंग मतलब खोदते हुए। ही ग्रीटेड द किंग, वह राजा को अभिवादन किया, सॉरी ही ग्रीटेड द किंग, वह राजा को अभिवादन किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खुदाई अपना जारी रखा। दी हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु काफ़ी कमज़ोर, वृद्ध और कमज़ोर था। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीड हैवली, और जैसे वो काम करता था वैसे तेजी तेजी से हाँफता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गए, साधु के पास गए एंड सेड, कहा आई हैव कम टू नो यू वाइस हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, मैं किसी भी कार्य को उचित समय करने के बारे में कैसे जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके हमें ज़्यादा सुनना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे मामले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दी हर्मिट इंस्टीड टू द किंग, हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने साधु की बात को, राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट टू ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, वह अपने खुदाई को जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पीड, मुझे फावड़ा लेने दीजिए, स्पीड मतलब फावड़ा, एंड वर्क इन योर
प्लेस और अपने स्थान पर मुझे करने, थैंक्स, धन्यवाद, सेठ द हर्मिट ने कहा, गिविंग द किंग इस पे राजा को अपना फावड़ा देते हुए थैंक्स कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug two beats, जब राजा दो क्यारियाँ, बीट्स मतलब क्यारियों को खोद चुका था, he stopped and repeated his question, वह रुका और अपने प्रश्न को दोहराया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया, but he stood up, खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, फावड़े लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए, फैलाते हुए कहा, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour पास्ट, एक घंटा गुजरा, देन एंड तब दूसरा, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य पेड़ों के पीछे चल गया, मीनिंग सन वाज सेट, एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और अंत में राजा जब फावड़े को जमीन में खोदे, एंड सेड, और कहे, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्न को उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो आई विल रिटर्न, यदि आप नहीं उसका आंसर दे सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स सम वन रनिंग, सेट द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा। माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड इट, लर्न इट एंड रिवाइज इट, एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।